बावली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपने बहुत जगह देखा होगा कि जितने धनवान व्यक्ति हैं, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा धन है वो उधार कम है, और जिसके कम से कम धन है, कम पैसे हैं, उसके पास उदारता ज़्यादा है। लोग यदि किसी कन्या के विवाह के लिए किसी बड़े धनाढ्य धनवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो उसके पास अगर जाते हैं तो वो 500 रुपया देता है, बड़ी मुश्किल में देता है। लेकिन किसी आप मीडियम जिसे आप कहते हो, गरीब कहते हो, उसके पास जाओ तो 1100 रुपया देता है। तो जिसके पास नहीं है उसके पास लोभ कम है, उदारता ज़्यादा है, और जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है उसके पास लोभ अधिक है, उदारता कम है। ऐसा क्यों? यदि कोई करोड़पति आदमी है और यदि वो आपको 500 रुपया दे रहा है, और यदि कोई लखपति आदमी है तो 1 लाख और 100 लाख का अंतर समझ लो आप, 99 लाख का अंतर होता है। लेकिन उस व्यक्ति में गरीब बहुत उदार होता है, कोई मंदिर बनवाना हो, कोई काम करना हो, कोई अच्छा काम करना हो, तो आप चाहे जब देख लेना, पैसे वाले व्यक्ति उदार कम होते हैं, लोभी ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे लाभ अधिक होता जाता है वैसे वैसे उसको लोभ बढ़ जाता है। लाभ आप लिखते हो ना, उसमें से एक डंडा ऊपर लगा दो तो लोभ बन जाएगा। आश्चर्य है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे अधिक लाभ होता है वैसे वैसे उसको लोभ बढ़ता जाता है। आप किसी दुकानदार के पास जाओ, एक गरीब आदमी कटोरा लेके जाता है तो वो पहले तो 25 पैसा चलता था ना, तो 25 पैसा देता था, फिर 50 पैसा चलने लगा, 50 पैसा देने लगा, अब 1 रुपया चल रहा है तो 1 रुपया ही देता है। लेकिन अगर वो पान की दुकान में जाता है तो वो उसको 5 रुपया देता है। ऐसा हमने अपनी आँखों से देखा है। लेकिन ऐसा क्यों है? श्रीमद् भागवत के 1 स्कंध के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में कुंती ने भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि हे माधव, जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिरेधमान मदः पुमान नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिंचन गोचरम। हे भगवन, अकिंचन गोचर हैं आप, जिसके धन नहीं हैं, जिसके अच्छे कुल नहीं हैं, जिसके ऐश्वर्य नहीं है, उस व्यक्ति के आप हैं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में भावना रहती है। लेकिन जिसका ऊंचे कुल में जन्म हुआ है, जन्म जिसके ऐश्वर्य अपार संपत्ति है, जन्मेश्वर और श्रुत जिसको बहुत ज्ञान है, बड़ा पढ़ा लिखा है, एधमान मदह, उसका मद जो अहंकार है उसका बहुत होता है। किसी को अपने को अच्छे कुल, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बड़े ऊंचे कुल का जन्मा हूँ, ऐसा उसको अहंकार होता है। और श्रुत, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इसका भी अहंकार होता है। और इतना ही नहीं, ऐश्वर्य धन का अहंकार तो होता है लेकिन उदारता नहीं होती। नैवार हत्यभिधातुम वही वही, ये बात निश्चित है कि जिनको अहंकार होता है वह आपका अभिधातुम ना, वह आपका नाम भी नहीं ले सकता। और बल्कि जितने बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं तो वो इसको ये कहने लगते हैं, भगवान अगवान कहीं कुछ नहीं है, मंदिर अंदिर कहीं कुछ नहीं है, अरे दानवान कुछ नहीं है, भिखारी बने घूम रहे हैं, ये भिखारी नहीं है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, इन लोगों ने भीख मांगने का धंधा बना रखा है। ऐसा तो वो कहते हैं लेकिन दे नहीं सकते। इसलिए कुंती ने कहा कि हे भगवान, हे माधव, जिनको अपने अपार संपत्ति है जिनके पास, उनको अहंकार है, तो अहंकार के कारण उदारता नहीं है। जो बहुत पढ़े लिखे हैं, श्रुत माने होता है ज्ञान, जिनको बहुत ज्ञान होता है, मैं बहुत बड़ा कथावाचक हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, ये जिनके पद होता है
जिनके कुछ लौकिक ज्ञान होता है वो भी भगवान का नाम नहीं लेते। कारण एधमान मदा, इनको अहंकार बहुत होता है। इसका मतलब है कि भगवान के भक्ति के बीच में अहंकार ही मुख्य कारण है। अहंकार के कारण उदारता नहीं होती है। अहंकार के कारण, हाँ, अहंकार किस बात का है? धन का है। इसलिए धन के अहंकार के कारण दूसरों को दुख देने में वो हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन उनको 10 रुपया देने में बड़ा, और ऊपर से कहो गाली भी दे दे, तो नैवार हत्यभिधा तुम वही, वो आपका नाम सुनते ही बिचक जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कोई गरीब आदमी चला जाए तो उसको 10 सुनाते हैं, गाली देते हैं, तब उनको कुछ पैसे देते हैं। अब इसमें थोड़ी आप विचार कर लीजिए, मनुष्य की जन्मजात इच्छा होती है क्या कि मैं सबसे अधिक धनवान हो जाऊं। तो जब वह धनवान नहीं होता है तब उसकी ऐसी इच्छा होती है कि अगर मेरे पास धन आ जाए तो मैं सबका भला करूंगा। यदि कोई पढ़ता है और नौकरी नहीं लगती है, बहुत योग्य है, तो वो कहता है मैं जब पढ़ करके अच्छे पद पर पहुंच जाऊंगा तो मैं सबका अच्छा काम करूंगा। लेकिन जब उसको पद मिल जाता है, जब उसको धन मिल जाता है, तो ये वही आदमी है जो पहले कभी ईमानदार था, ये वही आदमी है जो कभी समाज की सेवा करने के लिए तैयार रहता था, आगे आ जाता था गांव में सबसे पहले काम करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसको पैसा बढ़ा और विद्या बढ़ी, बस फिर क्या है, ऐसा अहंकार होता है उसको कि उस अहंकार के कारण जिनके साथ कभी वो उठता बैठता था उनको वो छोटा समझने लगा, जिनको कभी बड़ा समझता था उनको छोटा समझ के अनादर करने लगा। अर्थात संसार में भी यश का बाधक अहंकार है। संसार में उन्हीं का नाम होता है जो सरल होते हैं। भगवान के भक्त हुए बिना आपका अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। एक दादू नाम के संत थे, बहुत प्रसिद्ध थे और बड़े सिद्ध महात्मा थे, कितने लोगों का भला कर देते थे। लेकिन गांव के लोगों ने आ करके उनसे याचना कर करके परेशान कर दिया, तो वो अपने 2-3 शिष्यों को लेकर के जंगल चले गए। उन्होंने कहा कि भाई यहीं कुटिया बना लो, यहाँ मनुष्य नहीं है, जहाँ मनुष्य है वहीं तो दुख है। उन्होंने कुटिया बनाने के लिए काट रहे थे लकड़ियाँ, तो दादू महात्मा थे वो भी काट रहे थे। इतने में एक अंग्रेज आया, अंग्रेजों के ज़माने का समय था। उन्होंने दादू से ही घोड़े में चढ़े चढ़े पूछा कि क्यों भाई, वो जो दादू महात्मा उस गांव में रहता था वो कहाँ है? तो दादू कुछ बोले नहीं, बोले हमने सुना है उनके बड़ी शक्ति है, बड़ी तपस्या है, वो कहाँ है दादू? वो फिर नहीं बोले। तो वो घोड़े में चढ़ा जो आदमी था वो नाराज हो गया, क्योंकि उसको अपने पद का अहंकार था, तो उसने उसको लात मारी घोड़े में चढ़े चढ़े और आगे बढ़ गया। गाली देता हुआ बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा, तो वहाँ आगे एक महात्मा लकड़ी काट रहे थे, वहाँ खड़े होकर के पूछा कि क्यों भाई, वो जो दादू महात्मा थे वो कहाँ हैं? तो उसने कहा वो जो लकड़ी काट रहे हैं वही दादू महात्मा है। तो बोले कि मैं तो उनको लात मार के आया हूँ अभी। घोड़ा वहीं खड़ा किया, जूता उतार करके वो अंग्रेज गया और क्षमा याचना मांगने लगा। तो दादू ने मुस्कुराते हुए कहा तो क्या हो गया तुमने लात मार दी? अरे भाई, 2 पैसे का कोई घड़ा लेने जाता है तो उसको ठोंकता है कि ये फूटा तो नहीं है। जो महात्मा अहंकार से रहित हो, सम्मान और अपमान को समान समझता हो, तो उसकी परीक्षा तो लेना चाहिए कि इसको क्रोध आता है कि नहीं आता। तो तुमने लात मार के हमें ठोंक बजा लिया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? इसका अर्थ यही है कि भगवान सिर्फ उनके हैं, भगवान उनको समझ में आते हैं। इसलिए लिखा कि त्वाम अकिंचन गोचरम, अकिंचन माने जिसके कुछ नहीं है,
अहंकार भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, धन भी नहीं है, अपने जन्म का अहंकार नहीं है, वेद विद्या विज्ञान का अहंकार नहीं है, अपने पद का अहंकार नहीं है, हे भगवान वो ही आपको देख सकते हैं। और जिनको अपने जन्म का, ऐश्वर्य का, पद का, प्रतिष्ठा का, यश का अहंकार होता है, वो तो आपका नाम तक नहीं लेते। इसलिए लिखा है कि नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये, आगे का श्लोक है इसके, हे भगवान आप अकिंचन वित्त हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता है उसके धन आप हैं, निर्बल के बल राम, जिसका कोई नहीं होता है वो ही भगवान को चिल्लाता है प्रभु रक्षा करो, जिसके धन नहीं होता है, इसीलिए इसी कामना से वह उदार होता है कि मैं इनको कुछ दे दूं तो इसके पुण्य से मेरे धन हो जाए, मैं इनको कुछ दे दूं तो वो इनके पुण्य से मेरा यश हो जाए, मेरा घर चल जाए, मेरा परिवार सुधर जाए। इसलिए ब्राह्मणों में, भगवान में, वेद में, पुराण में, भगवान की कथा में, महात्माओं में उसी की सद्बुद्धि होती है, जिनको अपने जन्म, ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं होता। और जिनके अपने पद प्रतिष्ठा का अहंकार होता है वो तो भगवान का नाम ही नहीं लेते, जबकि अगर वो चाहें तो बहुत कुछ दे सकते हैं। भाई जिनके पास धन है वो दे सकते हैं, जिनके पास बल है वो रक्षा कर सकते हैं, जिनके पास विद्या है वो ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जब विद्या का अहंकार होता है तो वो ज्ञान नहीं देते, जब धन का अहंकार होता है तो किसी को धन नहीं देते, और जब ज्ञान का अहंकार होता है तो किसी का ज्ञान नहीं देते, और जब अपने बल का अहंकार होता है तो वह व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं करते बल्कि अपने बल पर किसी को दुख ही देते हैं। इसलिए इसका मतलब ही यही है कि अभी वर्तमान में आपको अगर संसार में ऐसा दिख रहा हो कि ये धनवान लोग इतने लोभी क्यों हैं, ये बलवान लोग इतने दुष्ट क्यों हैं, और जो ज्ञानवान हैं, हमने सुना है कि नेहरू जी कहते थे जब आज़ादी मिली थी कि जिस दिन हमारा देश सुशिक्षित हो जाएगा, विद्या संपन्न हो जाएगा, उस दिन हमारा देश बहुत उन्नतिशील हो जाएगा। लेकिन अभी नेहरू जी होते तो पता चलते कि उनकी भी दो पैसे की इज्जत नहीं है। पढ़े लिखे लोग यदि सम्मान नहीं करते, हम तो घूमे हैं ना, हम तो गंगा यात्रा भी की, हमने बहुत घूमा, हमने देखा कि जो पैसे वाले धनवान लोग हैं वो लोग हमसे पूछते थे क्यों भाई यहाँ क्यों घूम रहे हो, लेकिन जब कोई गरीब आदमी हमको देखता था तो बिहार में जब प्रवेश किया हमने गोरखपुर साइड, तो वो कहते थे विंध्याचल गए गोपा, वो कहते थे गोड़ लागी बाबा, प्रणाम करते थे गरीब लोग और कहें कि महाराज हमारे यहाँ भोजन कर लीजिए, तो जिनके नहीं था वो आठ आठ दस दस लोगों को भोजन कराते थे, और जिनके अपार संपत्ति बड़ा विशाल विस्तार दिख रहा था वो लोग कहते थे कि आठ आठ आदमी घूम रहे हो ऐसी गर्मी में, तुम्हें कौन रोटी बना के खिलाएगा। ये सब दृश्य देखे हमने। इसलिए विचरणशील महात्मा को पता चलता है कि शास्त्रों में जो लिखी हुई बात है वो मिथ्या नहीं होती। इसलिए अगर आपके जन्म और ऐश्वर्य धन पद का अहंकार नहीं होगा तो आप समाज के, महात्माओं के, देश के, शास्त्रों के, देवताओं के, सबके काम आएंगे, और यदि आप अहंकारी हैं तो आप समझ लीजिए किसी काम के नहीं हैं। आप एक करोड़ की गाड़ी खरीद लीजिए, चलते रहिए, क्या काम के हैं आप, लेकिन किसी को दो रोटी देने के लिए 50 रुपया देंगे तो वो आपको बड़ा आशीर्वाद देगा। इसलिए वास्तव में भगवान उनके हैं जिनके अहंकार नहीं हैं, लेकिन जिनके अहंकार हैं उनके भगवान नहीं हैं, उनके पास माया ही है और उनको दुख मिलना ही है, क्योंकि दुख दे करके ही तो संपत्ति एकत्रित की है, इसलिए अंत में भी संपत्ति के कारण और अहंकार के कारण दुख मिलता है। इसलिए जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनके कुछ नहीं है, वो ऐसा न समझें कि हमारे कुछ नहीं है, वास्तव में उनके ही भगवान हैं, भगवान के वो हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।